तो हेलो नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम आशीष चावरिया और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल टेक्निकल आशीष। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी वॉइस को प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं, वो भी एक मोबाइल ऐप का यूज करके। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग वीडियो तो बहुत ही अच्छी एडिट कर लेते होंगे, लेकिन जितना वीडियो एडिटिंग करना जरूरी होता है उससे कहीं ज्यादा वॉइस एडिटिंग करना जरूरी होता है। आपकी वॉइस अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तभी आपकी ऑडियंस आपकी वीडियो को पूरा वॉच करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी वॉइस को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन वहां जाने से पहले आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करना सीख लीजिए। दोस्तों आपको यहां पे एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको सबसे पहले इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपको सबसे पहले अच्छी सी एक वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेनी है। तो हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष चावरिया और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल टेक्निकल आशीष। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपनी जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड कर लिया है। अब बारी आती है इसको एडिट करने की और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करने की। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वह एरिया सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप कट करना चाहते हो। तो कट करने के लिए आपको जो ये बड़े बड़े दो आइकन से दिखाई दे रहे हैं आपको वह एरिया पहले सिलेक्ट कर लेना है जिस एरिया को आप कट करना चाहते हो। दोस्तों एरिया सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर 3 डॉट के आइकन दिखाई दे रहे होंगे, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको नीचे एक कट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको उस कट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो आपने एरिया सिलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। इसके बाद आपको दोबारा एक बार फिर से 3 डॉट पे क्लिक कर देना है और आपको नीचे एक इफेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, फेड इन, फेड आउट, नॉर्मलाइज और रिवर्स, बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ वही अप्लाई करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर एक नॉर्मलाइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली इसको अप्लाई कर देना है। तो नॉर्मलाइज को अप्लाई करने का फायदा यह होता है आपकी जो वॉइस है वो बिल्कुल नॉर्मल सुनाई देती है, यानी कि ना तो तेज सुनाई देती है और ना ही कम सुनाई देती है। नॉर्मलाइज को अप्लाई करने के बाद आपको दोबारा 3 डॉट पे क्लिक करना है और इफेक्ट के अंदर जाना है। इफेक्ट के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नॉइस रिड्यूस का, तो आपको नॉइस रिड्यूस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इससे यह फायदा होगा आपकी जो वॉइस में बैकग्राउंड नॉइज होता है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अप्लाई का, तो आपको सिंपली अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों नॉइज रिडक्शन को अप्लाई करने के बाद आपको एक आखिरी फिल्टर अप्लाई करना होगा जिसका नाम है कंप्रेसर। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो वॉइस है कहीं पर बहुत ही ज़्यादा तेज सुनाई देती है और कहीं पर बहुत ही ज़्यादा कम सुनाई देती है। तो दोस्तों कंप्रेसर वाले फिल्टर को अप्लाई करने के बाद जो आपकी वॉइस है वो बिल्कुल इक्वल हो जाती है। तो हेलो और नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम आशीष चावरिया और आप देख रहे हैं आपको अपना फेवरेट चैनल टेक्निकल आशीष। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो वॉइस है वो कितनी क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी वॉइस को एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर एडिट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो आज की वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो इसलिए इस वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और साथ में अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में घंटे के निशान को दबाना होगा ताकि हमारे भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।